हो तो मुझको ये सजा आज के दौर में जीने की दुआ मत देना, आज के दौर में जीने की दुआ मत देना। अब वो पाकीज़ा ख्यालात नहीं लोगों के, दोस्ती करना मगर घर का पता। एक सफ़र में जा रहा हूं और हमें चाहिए कि जब सफ़र में निकले तो सफ़र की दुआ पढ़ लेनी चाहिए, तो हम पढ़ लेते हैं। सुबहानल्लज़ी सख़्खर लना हादा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। कैसे हैं? मैं ऐसा करता हूं कि आप सभी बढ़िया होंगे। अभी नाइट के 9 बज रहे हैं और मैं अभी एक फंक्शन में जाने वाला हूँ जहाँ पर सलमान अली और अनीस साबरी जैसे शख्सियत आ रहे हैं, उनका मुकाबला देखने जा रहा हूँ। दोस्तों मैं अपने वर्कआउट से आ चुका हूं और अभी वर्कआउट के ही ड्रेस में हूं। इस ड्रेस में इसलिए भी जा रहा हूं कि इधर से अगर मैं गाड़ी में जाता हूं तो आने के लिए सुबह गाड़ी नहीं मिलती है, तो मैं अपनी बाइक से जा रहा हूं और सुबह उसे जल्दी आने के लिए भी होगा। साइकिल से जाने के लिए हमें आधा घंटा लगता है और गाड़ी से 20 से 15 मिनट लगता है। दोस्तों आप हमारे इस ब्लॉग में एंड तक बने रहिएगा, हम आपको वहाँ पे जाकर सलमान अली और अनीस साबरी जैसी शख्सियत की मुकाबला दिखाएंगे और अपने ब्लॉग में अपने जाने का और आने का सारा प्रोसेस दिखाएंगे। दोस्तों आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, अगर आपको ज़रा भी अच्छा लग रहा हो तो हमें प्यार जरूर दीजिए। चलिए मिलते हैं ब्लॉग के। हमारा रोड है और हम इस रोड से जाने वाले हैं, ये हमारा गेट रहा, यहाँ से हम जा रहे हैं। ये हमारी बाइसिकल है और हम इधर से जाने वाले इसी रोड में। चलिए, हमने 2 किलोमीटर का तय कर लिया है और अभी हम मनसंद्रा पहुंच चुके हैं। ये मनसंद्रा है और यहाँ से 7 किलोमीटर है। अभी हमको 7 किलोमीटर रनिंग करना है और मुझे उम्मीद है कि मैं 25 मिनट में 7 किलोमीटर ईज़िली रन कर सकता हूँ। चलिए मिलते हैं आगे। और दोस्तों मैं अभी साइकिलिंग करते करते अभी जहाँ मैं जाने वाला था वहाँ पे जा रहा हूँ और बस उसके पहुँचने से पहले एक खूबसूरत सी जगह मिली और जहाँ पे कुछ मित्र कुछ साथी फ़ोटोग्राफ़ी कर रहे थे, उनसे भी मिले, उनसे मिलके बहुत अच्छा लगा। और दोस्तों यहाँ पे हमने भी उनके साथ और हम अपना खुद उनसे फ़ोटोग्राफ़ी कराए और काफ़ी खूबसूरत जगह ये है और देख सक रहे हैं। यहाँ पर कुछ मेरे भाई हैं जो फ़ोटोग्राफ़ी कर रहे हैं दोस्तों। और अभी हम होस्कोटे जा रहे हैं और वहाँ पे पहुँच कर आप सभी को दिखाएंगे कि इंडियन आइडल्स के सलमान अली आ रहे हैं। चलिए दोस्तों, इन दोस्तों से मिलते हैं, उसके बाद फिर हम सलमान अली के कुछ शो, स्टेज शो दिखाएंगे। ये मेरे भाई फ़ोटोग्राफ़ी कर रहे हैं। दोस्तों इन सब से मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। आप बताइए आपको कैसा लगा दोस्तों? हमसे अच्छा लगा। का ना ले तो चलेगा पर पानी जरूर लीजिएगा। मैं अभी करीब पहुंचने वाला हूं, बस 1 से 2 किलोमीटर है और मुझे इतनी ज़ोर से प्यास लगी, इसकी वजह से मुझे रुकना पड़ा और पिएंगे उसके बाद नए एनर्जी के साथ। होस्कोटे का मेन बस स्टैंड है और उसके जस्ट बगल में बताया गया है कि ईदगाह मैदान है, वहाँ पे हम जाएंगे। मेन रोड है और मेन रोड के उस पार हमें जाना है। जो आप लाइट देख रहे हैं वो ईदगाह मैदान यहाँ का है। वहाँ पे ईदगाह मैदान के पास पहुँच चुके हैं। ये ईदगाह मैदान का गेट है और यहाँ पे बैनर्स चार लगे हुए हैं और यहाँ पे कुछ पुलिसकर्मी हैं जो गेट पे खड़े हैं। चलिए अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं किस तरह यहाँ का डेकोरेशन किया गया है। काली काली जुल्फों पे, काली काली जुल्फों पे फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो। मुझसे ख़िदमा के सीख आरदा मुस्तफा जाने रहमत लाखो सलाम। आप सभी को मेरे तरफ से और मेरे तमाम साथियों की तरफ से प्यार भरा गुड मॉर्निंग सलाम। दोस्तों, जैसे कि हमने आने वाले ब्लॉग में बताया कि हम सलमान अली और अनीस साबरी के मुकाबला देखने जा रहे हैं और वहाँ पे आए, काफ़ी सारे दोस्त मिले और ये हमारे दोस्त हैं। सो दोस्तों, प्रोग्राम में भी काफ़ी मज़ा आया और दोस्तों से मिल के भी बहुत अच्छा लगा। चलिए ये भी अपने रूम को जाएंगे और मैं भी अपने रूम पे जाने वाला हूँ। हम तो आपको दिखाई दिए थे कि हम अपने बाइसिकल के ज़रिए खुद इंजन बंद करके यहाँ तक पहुँचे हैं और ये लोग किसी इंजन के सहारे पहुँचे हैं। तो दोस्तों, ये वो उस इंजन का तलाश कर रहा है और हमारी इंजन तैयार है। चलिए इनसे सलाम दुआ के साथ उनको अलविदा करते हैं और ख़ुद को अलविदा हो जाते हैं। दोस्तों सलाम वालेकुम सलाम। दोस्तों, ये होस्कोटे का मेन रोड है और जैसे कि मैंने पहले बताया था कि उधर एक बस स्टॉप जैसे दिख रहा है, ये बस स्टॉप है, जस्ट इसके बगल में ही हमारा प्रोग्राम हुआ है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं और आगे भी जाने के ब्लॉग का भी दिखाएंगे कैसे पहुँचें। इस रोड में कोई भी लोग नहीं चल रहे हैं, मैं अकेला चल रहा हूँ और काफ़ी जंगल वाला रास्ता है। इवनिंग के टाइम तो मैं आ गया 9 बजे टाइम किसी तरह। अभी तो कुछ नहीं होना चाहिए, उस टाइम भी एक दो लफड़ा होने वाला था बट उस पर हम नज़र नहीं डाले और उसे नज़रअंदाज करके हम रास्ता अपना क्रॉस कर लिए। दोस्तों, अभी तो सुबह का टाइम होने वाला है, शायद कि मेरे साथ ऐसा कुछ ना हो और मैं सही सलामत पहुंच जाऊं। जो उम्मीद है कि अच्छे तरीके से पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। काफ़ी ज़्यादा कोई भी इस रोड में नहीं चल रहे हैं और ये आउटलाइन एरिया है, इसमें सुबह शाम तक चलते हैं, नाइट को बड़ी मुश्किल से लोग चलते हैं। पर मैंने हम इस वाले रास्ते को अपनाकर अपने मंजिल तक पहुँचे। कठिनाई भी आई बट जाने में कुछ कठिनाई ना आए और हम सही सलामत पहुँच जाए। तो दोस्तों, कुछ कंपनी की गाड़ी भी पीछे जा रही है और बाकी कोई भी गाड़ी नहीं चलती है। चलिए और भी दिखाएंगे। ठंडा भी काफ़ी ज़्यादा है और साइकिलिंग कर रहे हैं तो अंदर एनर्जी भर रही है और गर्म लग रहा है। ऐसे तो हाथ में कुछ ग्लव्स नहीं पहने हुए, वैसे ग्लव्स रखे हैं, मैं पहन लूँगा। ज़्यादा लगने लगेगी तो ठीक है, चलते हैं आगे। और दोस्तों, आधा दूर ट्रैवल करके आ गया हूँ। जैसे कि मैं जाने टाइम दिखाया था, ये टेम्पल्स को, और यहाँ पे मैं आ चुका हूँ। ठंडी बहुत ज़्यादा है और जब रुक रहे तो गर्म लग रहा है, हाथ थोड़ा कपकपा रहा है और बिल्कुल सब मज़ा है। रोड में कोई नहीं, चलने वाले लोग हैं, अकेले चल रहे हैं। खुदा से उम्मीद है कि कुछ नहीं होगा। अल्लाह हाफिज़। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अपनी लोकेशन पे पहुंच गया हूं और वो मेरी साइकिल है जो मुझे बहुत साथ दिया, मेरे जाने में भी, कहीं भी कोई डिस्टर्ब नहीं आने दिया और ना ही आने में। मुझे एक बार लगा कि जब ब्रेकर अप डाउन होने लगा, गियर जब चेंज करता था तो लगता था कहीं कि टूट ना जाए चैन या फिर कुछ गड़बड़ी ना हो जाए। साइकिल ने भी साथ दिया और हमारा शरीर ने भी साथ दिया कि मैं 8 किलोमीटर ओनली फॉर 30 मिनट में रन कर लिया और आने टाइम में भी 30 से 32 मिनट में रन कर लिया। इधर से जाने टाइम में 40 मिनट लग गया था, बट आने टाइम में 30 मिनट में मैंने इजीली रन कर लिया। सो दोस्तों, आपको उस प्रोग्राम के सारे वीडियो इसी चैनल पर देखने को मिल जाएगा। प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर कर हमें सपोर्ट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।